अभी इन प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है। अभी हम इन प्रत्यय लगाकर
नागिन माली मालिन। ठीक है, इन सब स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे इन प्रत्यय सुनाई दिया। अभी अगला पढ़ेंगे इनी। अभी पुलिंग शब्दों के पीछे इनी प्रत्यय लगाकर उन शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलेंगे। ठीक है, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी, अभिमानी अभिमानिनी, यशस्वी यशस्विनी। ठीक है, अभी भिन्न स्त्रीलिंग शब्द कुछ कुछ पुलिंग शब्द को जब हम स्त्रीलिंग शब्द में बदलते हैं तो उसमें देखो किस प्रकार से होता है। युवक का स्त्रीलिंग युवती, विद्वान का विदुषी, भैया का भाभी, राजा रानी, पुरुष स्त्री, कवि कवित्री, वर वधु, विधुर विधवा, सम्राट साम्राज्ञी, पति पत्नी। ये हमने पढ़ा भिन्न स्त्रीलिंग शब्द। भिन्न स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर थोड़ी भिन्नता दिखाई दी, थोड़ा अलग दिख अलग लगा था, क्योंकि यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द थे उन शब्दों को जब हमने स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित किया तो यहाँ पर कैसा पढ़ते वक्त कैसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे विलोम शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द का प्रयोग किया है लेकिन वो उसका स्त्रीलिंग है। जैसे युवक का स्त्रीलिंग क्या होगा, युवती। लिंग तो परिवर्तित किया ही, साथ ही साथ वो उसका विलोम भी हो गया है ना। विद्वान का विदुषी, भैया का स्त्रीलिंग भाभी विलोम, राजा का स्त्रीलिंग रानी विलोम। ठीक है, तो हमने अलग अलग पुल्लिंग शब्दों के पीछे अलग अलग प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाना सीखा और कुछ भिन्न स्त्रीलिंग शब्द भी सीखा कि कुछ स्त्रीलिंग किस प्रकार से भिन्न होते हैं, उनके पीछे पुल्लिंग शब्दों के पीछे प्रत्यय ना लगाकर भी उनका स्त्रीलिंग शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर विलोम शब्द कार्य करता है। जैसे कवि का कवित्री, वर का वधु, पति का पत्नी, है ना, विलोम शब्द का प्रभाव आ रहा है ना। अभी हम पढ़ेंगे नित्य पुल्लिंग शब्द। ठीक है, हम पढ़ेंगे नित्य पुल्लिंग शब्द। पर्वतों के नाम, ठीक है, हिमालय, नीलगिरी।
रॉकी इंडीज भारी भरकम वस्तुएं। सागरों के नाम हिंद महासागर, अरब महासागर, अटलांटिक महासागर। महीनों के नाम चैत आ गया है, बोलते ना वैशाख का मास आ गया। तो आ गया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये महीनों के नाम पुल्लिंग शब्दों में ही रखे जाते हैं, पुल्लिंग शब्द ही माने जाते हैं। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग माने जाते हैं। फल और पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग माने जाते हैं। रत्न और धातुएं, इनको भी पुल्लिंग शब्द माना जाता है। नित्य पुल्लिंग शब्द, ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। नीलम, मुखराज, मोती, लोहा, ठीक है। अनाजों के नाम गेहूं, जौ, धान, मक्का, चना। अनाजों के नाम भी गेहूं पक गया, हम बोलते ना गेहूं पक गई तो नहीं बोलते, गेहूं पक गया। गया क्रिया, क्योंकि तो गेहूं का लिंग पुल्लिंग है इसीलिए क्रिया भी बदल गई और वो भी क्रिया क्या हो जाएगी, पक गया, ठीक है। व्यवसायों पदों के नाम अध्यापक, व्यापारी, मैनेजर, सैनिक, ये व्यवसाय या पदों के नाम हैं, तो ये भी नित्य पुल्लिंग में रहते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे नित्य स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द यानी ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। तिथियां, ये शब्द हमेशा सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तिथियां पूर्णमासी, चौथ, चतुर्थी, अष्टमी, तीज, तिथियां होती है ना, वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। ये स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। नदियां गंगा, कावेरी, अमेजन, गोलका, नर्मदा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे। भाषाएं, जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, ये स्त्रीलिंग है। झीलों के नाम डल, सांगला, मानसरोवर, स्त्रीलिंग है। मसाले, अजवाइन, इलाच, इलायची, मिर्च, मेथी, मसालों के नाम भी नित्य स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। और गहने, पायल, नथ, माला, अंगूठी, ठीक है, ये जितने भी गहनों के नाम हैं ये नित्य स्त्रीलिंग है। और कंगन और हार, ये अपवाद है, यानी कंगन और हार इनको पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आ अंत वाले तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द जिनके अंत में ता आता हो, जैसे लता, सुषमा, विद्या, भिक्षा, ये संस्कृत के शब्द है ना। संस्कृत में वो शब्द जिनके पीछे ता आता हो, ता प्रत्यय ता आता हो, उसे हम बोलते हैं नित्य, वो भी स्त्रीलिंग शब्द के अंदर आएंगे। और तत्सम के शब्द, संस्कृत के शब्द जिनके पीछे छोटी ई आती हो, जैसे भक्ति, शक्ति, मति, रुचि, ये भी नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। क्लास आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला टॉपिक, अगला शीर्षक हम पढ़ेंगे कारक के बारे में, ठीक है। तो अभी हम कारक पढ़ेंगे, ठीक है। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला, ठीक है। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला, यानी वाक्य में क्रिया को करने वाला कौन है, उसे हम बोलते हैं कारक, ठीक है। वाक्य में क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है, ठीक है, कि वाक्य में क्रिया को कौन कर रहा है। परिभाषा पर ध्यान दो, कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
माँ ने रमेश को छड़ी से पीटा पीटा अभी ये जो कार चिन्ह है इनको नहीं पढ़ते और देखते हैं कि वाक्य का अर्थ पूर्ण हो पा रहा है। माँ रमेश छड़ी पीटा, क्या वाक्य का अर्थ पूर्ण हो पा रहा है? नहीं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, अभी इस वाक्य को कारक चिन्ह के बिना, विभक्ति चिन्ह के बिना पढ़ते हैं। देखो आकाश तारे टिमटिमा रहे हैं, क्या वाक्य में अर्थ पूर्ण रूप से निकल रहा है? नहीं। राम ने रावण को मारा, अभी इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह के बिना हम वाक्य पढ़ेंगे और देखेंगे क्या वाक्य का अर्थ पूर्ण हो रहा है। रावण राम रावण मारा नहीं। इससे हमको ये पता चलता है कि वाक्य में अर्थ को पूर्ण होने के लिए, पूर्ण वाक्य में अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कि वाक्य में बोला क्या जा रहा है, इसको जानने के लिए कारक चिन्ह कितने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, वाक्य में अर्थ की पूर्णता के लिए कारक चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कारक चिन्ह के बिना वाक्य पढ़ा तो कितना अटपटा लग रहा था और उस वाक्य का अर्थ भी नहीं निकल रहा था। कारक चिन्ह इतने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, संज्ञा